मैं साथ पूरा इरादा करके बैठा हूँ और नशा छोड़ना चाहता हूँ, मेहरबानी करें आप, मैं सतावन करें और छुड़वाएं ये नशा। अच्छा ये बताएं आपके बच्चे कितने हैं? आपके बच्चे हैं 10 हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर से होंगे। दोस्तों पिछले दिनों से, बल्कि ईद के बाद से मैं काफ़ी मसरूफ़ रहा हूँ, ईद के दिन भी। किस काम में मसरूफ़ रहा हूँ? सोशल वर्क में। तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, ये भी बहुत ज़रूरी काम होता है। तो नेचुरल व्लॉग इस वजह से नहीं आ रहे थे, अब बहुत जल्द नेचुरल व्लॉग्स भी आएंगे। और बहरहाल आज की जो वीडियो में है ना, कुछ इम्पोर्टेंट कतात हैं आपके सीखने के लिए, बहुत कुछ मौजूद है इस वीडियो में, तो आखिर तक ज़रूर देखिए। मिलते हैं इस वीडियो के एंड में। अस्सलाम वालेकुम, इनका नाम जी सईद अहमद है, और ये इनकी हालत आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नशे की हालत में। आप जो है ना, सुबह सुबह आज मेरे घर आए हैं, अभी भी सुबह है, तो सुबह सुबह ही मेरे घर आए हैं कि उन्होंने कहा कि हमें हैंडपम्प लगवा दें। ये इनका घर है, इनका हैंडपम्प है नहीं, तो ये अनफॉर्चुनेटली नशे की आदत में जो है ना ये हैं, और अभी जो है इनके पास नशे की कमी है, और इनकी हालत जो है ना अबतर हुई हुई है, बहुत ही ख़राब हालत है, नशा नहीं मिला इन्हें। और ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे, ज़रा इनसे बात सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल से? ठीक हो? ठीक सर। मेरे मैंने देखो क्या हालत है भैया? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो नशे की हालत है, आदत है तो आपको, एक बुरी आदत है जी? जी हाँ, बुरी आदत है। इसको आके आपने ख़त्म करना है इसको? जी हाँ बिल्कुल ख़त्म करना। हाँ जी ख़त्म। आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं? जी हाँ। अपना इलाज कराना चाहते हैं? जी हाँ सर। अच्छा अब हालत कैसी है आपकी? ख़राब है? बहुत बहुत ख़राब है सर। ये जी थोड़ी हाथ वरों पर सा नहीं है अब। हाँ अब सा नहीं है जिसम में। अच्छा आप क्या चाहते हैं कि आपका इलाज हो? हाँ इलाज। हाँ जी हाँ। अच्छा फिर आप देखें, फिर आप वादा करें कि आप जो है ना पूरा मुकम्मल करते हैं। मैं ऐसा नशा नहीं करें, मेरे तो दो बच्चे हैं। हाँ। कोई करने वाला नहीं है मेरे अलावा, जमीन कोई नहीं है, कोई काम बिजनेस नहीं, कुछ भी नहीं है, घर यही है आपका? यही घर है बस, बैठने की जगह और कुछ भी नहीं है, यही घर है जी, दो बच्चे हैं, कहते हैं कि बच्चे पालूं या नशा करूं, यही बात है। अगर आप मुकम्मल करना चाहते हैं ना, मुकम्मल आपने नियत कर लिया, पूरा इरादा कर लिया है, बिल्कुल सर, तो फिर जो है ना कुछ आपका करते हैं, ठीक है? मैं सर पूरा इरादा करके बैठा हूँ और नशा छोड़ना चाहता हूँ, मेहरबानी करें आप, सतावन करें और छुड़वाएं ये नशा। ठीक है जी, इंशाल्लाह आज से जो हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह बड़ी मेहरबानी, आपका नलका जो है ना वो भी लग जाएगा। ठीक है ठीक है। आप बस इरादा बांधे, बच्चे हैं छोटे आपकी, ये देखें छोटे छोटे बच्चे, मेरे बच्चे करने के नहीं है सही, और मैं इस मुसीबत में फंस गया हूँ। ठीक है चलें जी, ठीक है आपने इरादा कर लिया माशाल्लाह, तो आप इंशाल्लाह हम ताबून करेंगे, और जितने भी बड़े अस्पताल हैं कराची लाहौर, तो वहाँ तक जो है आपका इलाज कराएंगे। ठीक है जी, ठीक है। यह गाल ही हम समझ गए ना गाल कूँ ओपे ओपे, कोई मसला क्या नहीं, कोई मसला क्या नहीं। क्या हाल है इमरान? ठीक हो? क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम ठीक हो सी? फिर ठाट चहल कदमी करना तो शाम दे टाइम को ना थोड़ा जा काम है। अच्छा उठाले फंस गए? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, थियो थियो मैं मिल दूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, क्या हाल है? ठीक हो? फिट फाट तकड़े? ठीक ठाक हो? इंजॉय कर देखो मौसम। अच्छा मंजी दवा दिन धमे दे। शाम का टाइम है जी, 10 अगस्त 2020, आज गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है, और ये देखें इंसान तो इंसान, जानवर को भी जो है ना भैंसें नहा रही हैं गर्मी के मौसम की वजह से। ठीक हो? तब फिट फाट है टैट। भाई तुम्हारे नूर लसन का सुनाओ। ठीक है अच्छा। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है बाजी? ठीक हो? अच्छा तुम्हारी क्लिप वीडियो बड़ी ही थे, कुछ लोगों ने तुम्हारे वास्ते इमदाद भेजी जी हाँ, ते तो अपने घर वाले सुनाओ कि मैं ठीक है। आपका घर क्या कैसे देख, ऑपरेशन नाकाम सारे ठीक कौन थे भैया? कह रहे कहीं कोई मगद से कह रहे कहीं कौन तो इलाज कर रहे थे। अच्छा ये जी कह रहे हैं कि इनके घर का घर वाले का इलाज होने हो रहा था कराची में, तो अब जो है ना वो वहाँ से वापस आ गए हैं। वापस आ गए हैं जी भाई, इसको दूसरा तो जल्दी होगा, जल्दी पहला तो जल्दी होगा, पहला ऑपरेशन हो गया है कि नहीं? हो गया हो गया, लेकिन ठीक नहीं हुआ।
अच्छा आप क्या कहते हैं डॉक्टर? वो कहते हैं कि जख्म ठीक होएगा फिर दूसरा ऑपरेशन होगा। दूसरा होगा, चलें अल्लाह अल्लाह उन्हें सेहत देगा। ये किसी ने इमदाद भेजी है तो ये आपके पास पहुँच चुकी है, ठीक है। जितनी भी है सैयद अली नूरानी साहब थे वो उन्होंने भेजे हैं, जितने भी हैं ये आपने अपने पास रखने हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी ज़रूरत हो वहाँ पर जब जहाँ चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, आप नमाज़ भी पढ़ा करें, दुआ किया करें उनके लिए, ठीक है। जिन्होंने नेकी किया अल्लाह ताला उन्हें हमेशा के लिए जो है ना वो अजर देता रहे, ठीक है जी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सलाम अलैकुम। आपका नाम क्या है? आपका नाम मोहम्मद यूसुफ है। मोहम्मद यूसुफ, अच्छा हमने ना आपके पहले भी वीडियो बनाई थी ना, ठीक है ना। अच्छा तो ना मुझे आपके मुताबिक मुझे पता नहीं था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं तो जो मैं पूछता हूँ जो वो बता दीजिए, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपकी ज़मीन कितनी है? आपकी ज़मीन कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, पराई किसी और की ज़मीन में बैठे हुए, चले चले ठीक है। अच्छा ये बताएं आपके बच्चे कितने हैं? आपके बच्चे हैं 10 हैं। यार अल्लाह का नाम लो यार, इतने बच्चे, ये आपके बच्चे हैं सारे? आपके बच्चे हैं। यार इतने बच्चे कैसे पैदा कर लिए यार, हैं? अल्लाह सही दे काम है। अल्लाह अल्लाह ताला ने दिया यार, अल्लाह ताला ने तो दिए हैं, सही बात है। लेकिन यार तुम तो ब्रेक लगाओ यार। अच्छा अंदा आप ब्रेक लगा लिए हूँ, आप नया थोड़े बच्चे पैदा करो, ठीक है। इतने गरीब हो आप, ठीक है ना। तो हाँ तो ये जो आपका बड़े बेटे हैं ये तो थोड़े चलो कम आते हैं, दो हो गए हैं आप, चलो ठीक है। तो इनको स्कूल पढ़ाते हैं? इनको खर्चा भी नहीं है, किताबें खर्चा नहीं है, तो फिर इतने क्यों बच्चे पैदा किए मुझे बताओ। यार चलो ठीक है, हम स्कूल का इंतज़ाम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको स्कूल के जो है ना वो देंगे बच्चों के लिए, ठीक है, वो इन बच्चों को पढ़ाइएगा, ठीक है। अच्छा इनको जूते मिले हैं कि नहीं मिले? जूते जूते आज दे देंगे, ठीक है। तो बड़ों को तो देंगे, छोटे के जो जो छोटे हैं उनको भी हम जो है ना इंशाल्लाह वो लेकर देंगे। ईद को एक दिन रह गया, ठीक है, कल ईद है, तो इंशाल्लाह आज हम कोशिश करें, थोड़ी हेल्प कर दिए ना आपकी, ईद ही दे दिए ना आपको, हाँ। तो इससे आप खर्चा चलाएं, ठीक है, ईद के दिन गुजारें आप, उसके बाद इंशाल्लाह आपके बच्चों के लिए भी कुछ करेंगे, ठीक है, स्कूल के लिए भी और भी, ठीक है। तो आप ब्रेक लगा दिए, बच्चे पता नहीं करने ना। चलें जी, ठीक है, ठीक है जी। अल्लाह अल्लाह खुश रखे आपको, और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है ना वो हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम शकत भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या तबीयत है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आप ये बताएं कि आपके बच्चे कितने हैं? यार हम बाल से हाल है यार, तुम बाहर हुआ जाओ वाले। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ दर्जन पूरा होने वाला है। ये जी कह रहे हैं कि 11 बच्चे हैं मेरे और 12वां आने वाला है, तो भाई ख्याल करें, ब्रेक लगाएं। हूँ ब्रेक कैसे हैं? ब्रेक है, असल में खर्च पूरा नहीं थे। अच्छा ये हैं भी मजदूर, लेकिन जो अच्छा आपको पता नहीं था क्या क्या चक्कर गया था, क्यों इतने बच्चे पैदा किए हैं? अल्लाह ताला देने वाला है, लेकिन अब जो है ना थोड़ा सी ब्रेक लगाएं, ठीक है, हम तरीका आपको बता देते हैं। तो बंदा मेरा बीमार, असल में मजदूर आदमी है, दिन में मजदूरी करते हैं, रात में मजदूरी करते हैं। रात को भी? रात को भी मजदूरी करते हैं, इसलिए तो 12 बच्चे होते हैं। अच्छा अच्छा, रात को मजदूरी करते हैं, ठीक है, रात को मजदूरी करते हैं। चलें ठीक है जी। ये जी इनका पहले वाला हैंडपम्प है जो बिल्कुल भी नहीं चलता है, बिल्कुल देखें आप, ये चला रहा है और ये चलता भी नहीं है। तो अच्छा ये घंटा घंटा इसको चलाते थे, चलाते थे। फिर पानी आता था, फिर पानी। अच्छा अब नए नल का लगे आपका? हाँ। दिखाएं जी फिर हमें। हाँ, बिल्कुल। ये जी इनका जो है ना नया हैंडपम्प लग गया है, अब ठीक है ना, अब तो मसला नहीं होगा। ये हाँ जी, ये हैंडपम्प जो है ना बिल्कुल ठीक है और VIP है, नंबर 1 है, ठीक है। तो जो है ना आप बस जिन्होंने लगवा दिया है उनके लिए दुआ ज़रूर करनी है, ठीक है जी। जब 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 भी पानी पिए, जब भी नमाज पढ़ें ऐसे वो, ठीक है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ जी पानी पिएंगे। चलें जी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला कबूल फरमाए जिन्होंने लगवा दिया है, ठीक है जी। ज़बरदस्त, ये जी देखें कच्ची बस्ती है ये, और ये इन्होंने अपनी मदद आपके तहत एक मस्जिद बनाई हुई है कच्ची, इसके अंदर दाखिल होते हैं। बिल्कुल एंड तक उन्होंने सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने मिट्टी से बनाई हुई है, गुलाई भी मिट्टी से की हुई है।
इतने गरीब लोग हैं, यहाँ पर बिजली भी नहीं है। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो आपने आखिर तक देखी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी दिलचस्पी को शो करती है। बहरहाल नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि क्यों ना वीडियो हो। बहुत से अहबाब ने जो है ना, मेरे व्यूअर्स ने, मेरे फ़ैन ने सवालात किए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि क्यों ना वीडियो हो और इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग शुरू होंगे। और हाँ, आखिरी बात कि जो है ना, अब मैं लाइव भी आया करूँगा, बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट व्लॉग फिर से आएंगे आप।